हेलो एवरीवन, आई एम ललिता धाकर एंड यू आर वाचिंग ललिताज इंग्लिश क्लासेस। आज मैं आपको बताऊंगी एप्पल से रिलेटेड बहुत सारे मुहावरे, इडियम्स और फ्रेजेस। क्यों जरूरी है? क्योंकि सभी कंपटीशन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, और अगर स्पोकन इंग्लिश की बात करें तो वहाँ भी अगर आपको अच्छा स्पीकर बनना है और किसी अच्छे स्पीकर को अगर आपको सुनकर समझना है तो आपको इनका यूज़ करना आना ही चाहिए। इसे पूरा सेशन देखिएगा बिना स्किप किए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो बिना देर के आज का सेशन शुरू करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो। सबसे पहला ईडियम लेते हैं जो एप्पल पर बेस है, वो है दी एप्पल ऑफ समवंस आई। दी एप्पल ऑफ समवंस आई। अब इसका क्या अर्थ होता है पहले मैं हिंदी में बता दूं आपको। इसका मतलब होता है आंखों का तारा। हिंदी का हमारा एक मुहावरा है आंखों का तारा। आंखों का तारा का कोई ऐसा मतलब नहीं कि आंख में कोई तारा है। इसका हिडन, छुपा हुआ मतलब होता है बहुत प्रिय होना। कोई आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा आप उसे पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, तब आप इस ईडियम का, मुहावरे का यूज़ करते हैं हिंदी में कि वो मेरी आंखों का तारा है। इसी तरह इंग्लिश में आप यूज़ करेंगे द एप्पल ऑफ समवंस आई। समवन की जगह आपको क्या करना, ऑब्जेक्ट का यूज़ करना है। एक दो सेंटेंस में आपको बताती हूँ ताकि समझ में आए। मेरा बेटा मेरी आंखों का तारा है। माय सन इज द एप्पल ऑफ माय आई। माय सन इज द एप्पल ऑफ माय आई। मैंने आई से पहले क्या लगाया है, समवन की जगह माय। तो आपको यही करना है कि आप जिसकी भी आंखों का तारा है तो वहां उसका आपको वर्ड का नेम लिख देना है, ठीक है। अगला हम ईडियम लेंगे जो है अ बैड एप्पल, बुरा सेब फल। इसका क्या मीनिंग होगा, हिडन मीनिंग होगा, जरूर याद रखिएगा, ठीक है। बिल्कुल ऐसा कैसा सिंपल मीनिंग तो नहीं होगा मुहावरों का। बुरा व्यक्ति मतलब एप्पल तो है लेकिन वो खराब है, बुरा है। तो इसका मतलब है किसी ऐसे व्यक्ति से हम इसको बोलते हैं कि जो अच्छा नहीं हो, जिसका प्रभाव अच्छा नहीं पड़ता, उसकी आदतें खराब हो, या उसका जो उसकी जो संगत है उसका असर दूसरों पर अच्छा नहीं पड़ रहा हो, तो आप उसको बोल सकते हैं अ बैड एप्पल। रोहन एक बुरा व्यक्ति है, तो आप कहेंगे रोहन इज अ बैड एप्पल। रोहन इज अ बैड एप्पल। आई होप समझ में आ गया होगा, ये ज़्यादा टफ नहीं है। थर्ड हमारा जो ईडियम है आज का, वो है जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इन एप्पल पाई ऑर्डर। इन एप्पल पाई ऑर्डर, इसका मतलब होता है व्यवस्थित, बिल्कुल ठीक ढंग से। व्यवस्थित बिल्कुल ठीक ढंग से मतलब समझिएगा अच्छे से, जैसे आपका कमरा है वो बिल्कुल अप टू डेट है, बिल्कुल सही जगह आपने डिसाइड कर रखी हर एक वस्तु के लिए, सब जगह आपने अच्छे से उसको अरेंज किया हुआ है, तो उसको आप बोल सकते हैं इन एप्पल पाई ऑर्डर। इन एप्पल पाई ऑर्डर मतलब आपका कमरा बिल्कुल व्यवस्थित ढंग से है, बिल्कुल एक्यूरेट, सारी चीज़ें उनकी जगह पर है। इन एप्पल पाई ऑर्डर, तुम्हें अपना कमरा व्यवस्थित रखना चाहिए। तो आप इंग्लिश में मुहावरेदार भाषा में बोल सकते हैं यू शुड कीप योर रूम इन एप्पल पाई ऑर्डर। यू शुड कीप योर रूम इन एप्पल पाई ऑर्डर। नेक्स्ट हमारा ईडियम भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, जिसका हिंदी में अर्थ होगा झगड़े की जड़, झगड़े का कारण या झगड़े की वजह। समझाऊंगी मैं अच्छे से आपको, उससे पहले एक छोटी सी कहानी सुनिए कैसे बना था ये। तीन रानियां थी एक राजा की, और उनके कोई भी संतान नहीं हो रही थी, कोई भी पुत्र या पुत्री का जन्म नहीं हो रहा था। तो किसी साधु ने राजा को एक एप्पल दिया, ठीक है, और कहा कि आप जिस भी रानी को ये एप्पल देंगे तो वो गर्भवती हो जाएगी और उसके पुत्र पैदा होगा। अब राजा जब घर पे गए, राज में गए, तब उन्होंने तीनों रानियों को ये बोला, तो तीनों रानी आपस में झगड़ने लग गई कि पहले मैं खाऊंगी, पहले मैं खाऊंगी। तो ये जो एप्पल था वो कारण बना, जड़ बना या वजह बना किसके, झगड़े की। इस तरह से आप याद करेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। डिस्कॉर्ड का मतलब होता है झगड़ा। तो यहाँ अब आप एक और बात ध्यान रखिएगा, किसकी जगह एक और ईडियम का यूज़ किया जाता है जो है अ बोन ऑफ कंटेंशन। अ बोन ऑफ कंटेंशन, जिसका भी अर्थ होता है झगड़े की जड़ या झगड़े का कारण, ठीक है। तो हम एक एग्जाम्पल और ले के आपको समझा देते हैं अच्छे से। जैसे राम और मोहन के बीच पैसा झगड़े की जड़ है, झगड़े का कारण है। मनी इज द एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन राम एंड श्याम। मनी इज द एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन राम एंड श्याम। आई होप अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और लर्न भी हो गया होगा। तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिख दीजिए इसका एग्जाम्पल एक और। अगला देखिए, कंपेयर एप्पल्स एंड ऑरेंजेस। कंपेयर एप्पल्स एंड ऑरेंजेस, कंपेयर का मतलब तुलना करना। अब
एप्पल सेब फल और ऑरेंजेस संतरे। सेब फल और संतरे क्या एक जैसे होते हैं? बिल्कुल नहीं, उनका कलर बिल्कुल डिफरेंट होता है और जो ग्रोइंग सीजन होता है, उत्पादन करने का जो मौसम होता है, वो तो बिल्कुल डिफरेंट होता है। गर्मी में आता है, एक सर्दी में आता है, ठीक है, ठंडे प्रदेश में होता है, एक गर्म प्रदेश की फसल है, तो बिल्कुल अलग है। स्वाद देखें तो बिल्कुल डिफरेंट है, कलर बिल्कुल डिफरेंट है, तो आप कैसे उनमें तुलना कर सकते हैं? तो इसी से आप समझ लीजिए इस ईडियम को, मुहावरे को, कि अगर आप दो बिल्कुल अलग विपरीत वस्तुओं की या लोगों की आपस में कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं, तब आप इस ईडियम का यूज़ करेंगे, जो इम्पॉसिबल है, जो होना अच्छा भी नहीं है और होता भी नहीं है। ऐसा एक जैसे लोगों की तुलना करें तो फिर भी ठीक है, लेकिन अगर आप डिफरेंट बिल्कुल अलग अलग व्यक्तियों की तुलना करते हैं तो बिल्कुल वैसा होगा जैसे आप कंपेयर एप्पल्स और ऑरेंजेस को कर रहे हो। अगला हमारा ईडियम लेते हैं जो है, द एप्पल डज नॉट फॉल फार फ्रॉम द ट्री। द एप्पल डज नॉट फॉल फार फ्रॉम द ट्री। अब इसका क्या अर्थ है? हिंदी में तो लिख रखा है जैसा बाप वैसा बेटा। अब इसका क्या अर्थ होता है, क्योंकि हिंदी के मुहावरे भी समझने पड़ते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जो फैमिली मेंबर्स होते हैं, उनके जो अच्छे या बुरे जो गुण होते हैं, जो संस्कार होते हैं, जो वैल्यूज़ होती है, वो बच्चों में आती है। अक्सर ऐसा आपने देखा होगा, शक्ल या तो मिलेगी या फिर कोई खाने पीने की आदत मिलेगी या फिर और कोई आदत उनकी आपस में मिलती है, तो इसी को समझाया गया। अब इंग्लिश में मैं आपको बता देती हूँ अच्छे से। जैसे एक एप्पल का ट्री है, ठीक है, और उस एप्पल के ट्री पर एप्पल लगा हुआ है और उस वो गिरा नीचे, तो कितना दूर तक गिरेगा? पास में ही गिरेगा, जो पेड़ है उसके पास में ही जाकर गिरेगा। तो उसी से ही मुहावरा बना है कि जो एप्पल के गुण हैं वो उसके अंदर आएंगे ही, क्योंकि वो उससे दूर जा ही नहीं सकता। ऐसे ही हमारे जो पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स में आपके माता पिता हो सकते हैं, अंकल आंटी, या आपके ग्रैंड पेरेंट्स हो सकते हैं, दादा दादी हो सकते हैं, नाना नानी हो सकते हैं, उनके अगर गुण आपके अंदर आते हैं तब आप इस मुहावरे का यूज़ कर सकते हैं, द एप्पल डज नॉट फॉल फार फ्रॉम द ट्री। नेक्स्ट हम सीख रहे हैं एक एप्पल पे बेस फ्रेज जो बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, जो है एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। अब इसका क्या मतलब है? मैंने हिंदी नहीं लिखा है क्योंकि मैं आपको समझा दूंगी कि इसका मतलब है कि एक सेब अगर आप रोज खाते हैं तो वो आपको डॉक्टर से दूर रखता है, इसका मतलब स्वस्थ रखता है। डॉक्टर के पास कब जाना पड़ता है? जब आप बीमार होते हैं। आप बीमार होंगे ही नहीं, रोज एक सेब खा लेंगे तो वो आपको डॉक्टर से दूर रखेगा, मतलब आप स्वस्थ रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, ठीक है। और ये बहुत ही ज़्यादा प्रचलित एक कहावत है, आप प्रोवर्ब बोल सकते हैं इसको, फ्रेज बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो ईडियम है वो देखिए, और लास्ट ईडियम है बट नॉट द लीस्ट है, एडम्स एप्पल। एडम्स एप्पल जिसका क्या अर्थ होता है? लिख रखा है मैंने उभरा हुआ वॉइस बॉक्स। हमारे यहाँ एक वॉइस बॉक्स होता है। अब हम जो फीमेल होते हैं उनके अंदर तो ये बाहर नहीं निकलता है, लेकिन जो पुरुष होते हैं, कुछ पुरुषों के यहाँ गले में बाहर ऐसे गठान जैसा, जैसे मान लीजिए एक एप्पल बाहर आ गया हो, ठीक है, यहाँ छोटा सा एक एप्पल बाहर आ गया हो, ऐसे समझाया गया है। ऐसे ही पुराने टाइम से प्रचलित एक कहावत के हिसाब से आता है, तो आप इसको क्या कहेंगे, एडम्स एप्पल। वो वॉइस जो बॉक्स होता है वो बाहर की तरफ निकला हुआ रहता है, उभरा हुआ रहता है, तो उसको बोलते हैं एडम्स एप्पल। तो आज मैंने बताया आपको बहुत सारे ऐसे ईडियम्स और फ्रेजेस जो रिलेटेड थे एप्पल से, क्योंकि एप्पल पर बेस्ड ईडियम्स बहुत सारे पूछे जाते हैं। आज का वीडियो कैसा लगा बताइएगा, और एक और काम आपको करना है, कमेंट बॉक्स के अंदर आपको सारे के सारे ईडियम्स और फ्रेजेस लिखना है और उनके हिंदी मीनिंग लिखना है, और उसके बाद आपको एक एक एग्जांपल अपनी तरफ से बनाकर भी लिखना है, ताकि आपको ये ईडियम्स अभी के अभी जल्दी से लर्न हो जाए और आप अच्छे से उनको एग्जाम्स में कर पाएँ। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले वीडियो में हम देखेंगे फिश से रिलेटेड बहुत सारे ईडियम्स, ताकि आपको वीडियो टाइम पर भी मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।